हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपने चैनल के बारे में। हमारे इस चैनल पे हम लोग बात करेंगे पढ़ाई के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, कभी कभी हिस्ट्री के बारे में, बट हमेशा हम बात करेंगे कोई भी चीज जो इंसान का ज्ञान बढ़ाए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स टू एनालाइज इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसके बारे में कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एज यूजुअल, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी एंड एनालाइज सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटी। ठीक, मतलब पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी को जानने के लिए। इसके अलावा इनको लोकल, स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स में हर एक लेवल पे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स को, अलग अलग पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स को यूज किया जा सकता है। कौन कौन से पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। ओके, फ्रेमवर्क्स आर लाइक गाइडेंस मैनुअल यूज टू एनालाइज पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम। एक तरीके से गाइडेंस मैनुअल की तरह होते हैं। हम इन गाइडेंस मैनुअल का इस्तेमाल करके, उन फ्रेमवर्क्स के थ्रू हम समझते हैं कि कोई भी, जिस भी स्टेट की या जिस भी एरिया की या जिस भी नेशन की हम पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां का पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स को एज अ गाइडेंस मैनुअल। इसके अलावा फ्रेमवर्क्स का जो इस्तेमाल है वो हम कर सकते हैं एक स्केल की तरह या एक मेजरिंग यूनिट की तरह किसी भी सोसाइटी के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम की प्रोग्रेस को नापने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स को लेकर। अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, मेनली दो फ्रेमवर्क्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से पहला है सिस्टेमिक फ्रेमवर्क। कौन सा? सिस्टेमिक फ्रेमवर्क मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेमवर्क है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डेवलपमेंट, मतलब ये डेवलप हुआ अमेरिका में। ओके, उसके अलावा इट इज यूज टू स्टडी पॉलिटिक्स इन फॉर्मर कॉलोनीज। मतलब जो देश पहले कॉलोनीज रह चुके हैं किसी भी कॉलोनाइजर कंट्री के, उनमें पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए इस फ्रेमवर्क का, कौन से फ्रेमवर्क का? सिस्टेमिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखो, सिस्टेमिक फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे बाहर होता है सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। सिस्टेमिक फ्रेमवर्क में जो काम कुछ भी होता है वो एक सोशल और पॉलिटिकल एनवायरमेंट में होता है। उसके अंदर होता है पॉलिटिकल सिस्टम जो कि ऑब्वियसली सोशल और पॉलिटिकल एनवायरमेंट में काम करता है, और उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर होते हैं ढेर सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट और विधानसभा, आप अगर स्टेट के लेवल पे देखें तो विधानसभा, गवर्नर, इसके अलावा बाकी सारे, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट उस स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का, या अगर नेशनल लेवल पे है, इंडिया के लेवल पे है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, अलग अलग बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सिस्टेमिक फ्रेमवर्क के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है ना सिस्टेमिक फ्रेमवर्क में, वो काफी स्ट्रांग होता है और सेल्फ सफिशिएंट होता है। लीडर चेंज, रिजीम चेंज, इन सब बातों से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है किस चीज का? कास्ट का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, इलेक्शंस का, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा होता है सिस्टेमिक फ्रेमवर्क में। ठीक है, उसके अलावा सिस्टेमिक फ्रेमवर्क के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी। सिस्टेमिक फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी, ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग समझ सकते हैं अगर हम सिस्टेमिक फ्रेमवर्क के थ्रू किसी पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो। ओके, ये तो हो गई इसकी अच्छी बातें। अब देख लेते हैं इसके क्या क्रिटिसिजम्स हैं, मतलब इसकी क्या कमियां हैं। सबसे पहली बात कि ये कास्ट को कंसिडर करता है, रिलीजन को करता है, लैंग्वेज को करता है, रीजन्स को करता है, और नेशनलिटी को भी कर सकता है, इलेक्शंस को भी करता है, सबको करता है, मगर ये क्लास फैक्टर को कंसीडर नहीं करता। इट ओवरलुक्स क्लास फैक्टर। ये बड़ी शिकायत होती है मार्क्सिस्ट की, ठीक है, कि ये क्लास फैक्टर को कंसीडर नहीं करता। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम इज अबव स्टेट, ये बड़ी शिकायत होती है नेशनलिस्ट की कि पॉलिटिकल सिस्टम है ना जो, वो स्टेट से ऊपर हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम फर्स्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम को ज्यादा पावर है, स्टेट को कम पावर है, नेशनलिस्ट की शिकायत होती है। इसके अलावा यूनिडायमेंशनल है। ओके, और लास्ट में एंटी चेंज है, ये काफी हद से ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक है।
जो काम अपनी स्पीड से होगा वो उसी स्पीड से होगा, आप उसको जल्दी से नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम से चलता है सारा कुछ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है मार्क्सियन फ्रेमवर्क। ठीक, इसका नाम रखा गया मार्क्सियन फ्रेमवर्क, नाम रखा इसका कार्ल मार्क्स के नाम पर। कार्ल मार्क्स कौन थे? एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनके स्कूल ऑफ थॉट को मार्क्सिज्म कहा जाता है। ओके, मार्क्सियन फ्रेमवर्क कोशिश करता है उन कमियों को पूरा करने की जो सिस्टेमिक फ्रेमवर्क्स में रह जाती थी। ठीक है, नया तरीका है दुनिया को देखने का, पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, सोशल सिस्टम को देखने का नया तरीका है मार्क्सियन, मतलब अपने टाइम का नया तरीका था मार्क्सियन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम क्लास या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सोशलिस्ट सोशल या क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्सियन फ्रेमवर्क देखता है कि प्रोडक्शन और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, थोड़ी इकोनॉमिक्स से आप इसमें इस पे रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत लिटरेरी थ्योरी भी जो लिटरेचर से रिलेटेड होती है वो भी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री तो मिलेगी ही मिलेगी ऑब्वियसली, इसके अलावा आपको थोड़ी सी फिलॉसफी भी मिल सकती है। तो आप अपनी रिसर्च करते रहिए, प्रोडक्शन एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इस पे रिसर्च करना थोड़ी सी, ठीक है, एक गूगल सर्च की जरूरत है बस। इसके अलावा अज्यूम्स दैट पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इज अफेक्टेड बाय इंपीरियलिज्म इन डेवलप्ड कंट्रीज। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट था उस टाइम का इंपीरियलिज्म, थैंकफुली आज हम इस प्रॉब्लम से इतने बड़े लेवल पे नहीं निपट रहे हैं जिससे पहले निपट रहे थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ये कहता था कि जो पॉलिटिक्स डेवलपिंग कंट्रीज में है वो जरूर अफेक्ट होती है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो इंपीरियलिज्म है उससे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कलोनियलिज्म। ओके ठीक है, अज्यूम्स दैट इंस्टीट्यूशंस फेवर द प्रिविलेज्ड क्लास, ये कट कर रखा है मैंने, ठीक है इसको इग्नोर करना, दोबारा पढ़ते हैं, अज्यूम्स दैट इंस्टीट्यूशंस फेवर द प्रिविलेज्ड क्लास। मार्क्सियन फ्रेमवर्क ये अज्यूम करके चलता है कि जो इंस्टीट्यूशंस बना रखे होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो प्रिविलेज्ड क्लास यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनको सपोर्ट करता है, उनको फेवर करता है। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट सिस्टम की शिकायत थी बहुत बड़ी। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, इट इज अगेंस्ट आइडियलिज्म, इस पार्ट को छोड़ देते हैं, पहले समझते हैं डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। दोस्तों दो शब्द हैं, एक टर्म है, मगर आप पढ़ना चाहो ना इसको तो किताबें पढ़ सकते हो इसके ऊपर, थोड़ी सी फिलॉसफी में जाते हैं हम लोग यहां इसको समझने के लिए। यह है मटीरियलिस्ट डायलेक्टिक्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स के दिए हुए। इसके ऑपोजिट थे हेगेलियन डायलेक्टिक्स, हेगल एक वो भी एक जर्मन फिलोसोफर थे, उनके दिए हुए डायलेक्टिक्स थे। डायलेक्टिक का मतलब होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है दो लोगों के बीच में, अगर इसके और इसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो ये दोनों के दोनों अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूज हो गए आइडियाज, ये तो कहता है हेगेलियन डायलेक्टिक्स। ठीक है, आइडियाज यूज होंगे और कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का जो कारण है वो भी आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं। जबकि मार्क्सिज्म कहता है कि उसके पीछे का कोई ना कोई मटेरियल कारण है, मतलब आइडियाज नहीं, कोई ऐसा कारण है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं इसको। अगर आप इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को देखोगे हेगेलियन डायलेक्टिक्स के थ्रू, तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, दो देशों का आपस में डिफरेंस है, या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि रिलीजन की वजह से आपस में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है। मगर मार्क्सियन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अगर कोई इसको इस कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को देखे और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का इस्तेमाल करके इस लेंस के थ्रू देखे, तो वो ये कहेगा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का असल कारण है पानी। कश्मीर में से जो नदियां निकलती है ना, कश्मीर में 6 नदियां निकलती हैं दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज हैं, बहुत पानी की कमी है दोनों देशों में, पाकिस्तान में ज्यादा है, इंडिया में कम है, मगर फिर भी इंडिया में बहुत पानी की कमी है और कश्मीर में से 6 नदियां निकल रही हैं, तो पानी के पीछे हो रही है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये कहेगा मार्क्सियन फ्रेमवर्क के थ्रू देखने वाला इस कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, ये है बात डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की। आप चाहो तो इसके ऊपर रिसर्च, चाहो नहीं मैं तो कहूंगा कि जरूर करो रिसर्च और जितनी कर सको उतनी करो। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा देखने को ना मिले तो आप फिलॉसफी में जाके थोड़ा सा फिलॉसफी की बुक्स पढ़ के या कुछ एक एसेज पढ़ के समझने की कोशिश करना इस टर्म को। ओके दोस्तों, मार्क्सियन फ्रेमवर्क आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है उसमें से क्लासिकल मार्क्सियन फ्रेमवर्क,
क्लासिकल मार्क्सियन फ्रेमवर्क के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं क्या होता है। ये अज्यूम करता है कि इकोनॉमी बेस है, पॉलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर है। मतलब इकोनॉमी बेस है, इकोनॉमी मेन है, इकोनॉमी मेन है और उसके ऊपर पॉलिटिक्स खड़ी होती है। मतलब इकोनॉमी बेस है, इकोनॉमी डिसाइड करती है कि पॉलिटिक्स क्या होगी, पॉलिटिक्स इकोनॉमी को डिसाइड नहीं करती, ये मान के चलता है मार्क्सियन फ्रेमवर्क। ठीक है, बेस डिटरमिन सुपरस्ट्रक्चर, वही बात आ गई कि बेस डिटरमिन करता है कि सुपरस्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब इकोनॉमी डिटरमिन करती है कि पॉलिटिक्स कैसी होगी। ऐसा समझो कि मार्क्सिज्म में आपने जितने भी मार्क्सिस्ट सिस्टम देखे होंगे पूरी दुनिया में, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, चाहे चाइना हो या नॉर्थ कोरिया हो, कहीं भी हो, वियतनाम वगैरह भी, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि वो लोग इकोनॉमिक राइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पॉलिटिकल राइट्स को कम प्रेफरेंस देते हैं। और शायद यही कारण है कि इन कंट्रीज में, मार्क्सिस्ट कंट्रीज में, पॉलिटिकल राइट्स की कोई जगह नहीं होती। और दोस्तों पर्सनल मेरे व्यूज ये हैं कि बिना पॉलिटिकल राइट्स के इकोनॉमिक राइट्स एक तरीके का मजाक होते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक राइट्स कभी भी छीने जा सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टडी में। बेस डिटरमिन्स सुपरस्ट्रक्चर, यूज टू स्टडी एग्रेरियन मूवमेंट्स, एग्रेरियन रिलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स एंड ट्रेड यूनियंस। एग्रेरियन मूवमेंट्स, एग्रेरियन रिलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों किसानों के मुद्दे हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर से रिलेटेड मूवमेंट्स, एग्रीकल्चर के रिलेटेड रिलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, उसके अलावा ट्रेड यूनियंस, ये मजदूरों के मुद्दे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कम्युनिस्ट जो सिंबल है वर्ल्ड वाइड, वो क्या होता है? एक हैमर और सिकल, ठीक है, एक दरांत और एक हथौड़ा। दरांत किसके लिए? किसानों के लिए। हैमर हथौड़ा मजदूरों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू मच इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक फैक्टर्स कंपेयर टू नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। वही बात अभी हम कर रहे थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल राइट्स, इन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सोशल राइट्स पे इनके खास ध्यान नहीं दिया जाता, सारा ध्यान होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। ठीक है, अब मार्क्सिज्म को बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है, ये बहुत वास्ट है, आप इसको पढ़ना चाहो तो ढंग से पढ़ना जरूर। नेक्स्ट आता है दोस्तों मार्क्सियन फ्रेमवर्क का सेकंड पार्ट है नियो मार्क्सियन फ्रेमवर्क। ठीक है, वो क्लासिकल मार्क्सियन फ्रेमवर्क था, ये है नियो मार्क्सिज्म, मार्क्सियन फ्रेमवर्क। नियो मतलब न्यू, नया। ओके, इट फोकसेस ऑन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक कल्चर। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि क्लासिकल मार्क्सियन फ्रेमवर्क का एक बहुत बड़ा जो उसमें कमी है वो होती है कि वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, जैसे कि कल्चर, कल्चर को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है क्लासिकल मार्क्सिस्ट में। बट नियो मार्क्सियन फ्रेमवर्क इसको कंसिडर करता है, कल्चर को भी कंसिडर करता है, रिलीजन को, हर चीज को कंसिडर करता है। ओके, इसके अलावा सम नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्रिटिसाइज द डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म प्रिंसिपल। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म प्रिंसिपल को नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर क्रिटिसाइज करते हैं। क्लासिकल मार्क्सिज्म में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अलावा किसी और चीज की, स्पिरिचुअलिटी वगैरह की कोई जगह नहीं होती। इसलिए आप देखोगे कि क्लासिकल मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले जितने भी स्टेट्स हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया या कोई और, कितने भी हैं, वो बाय स्टेट एथीस्ट होते हैं। किसी रिलीजन की कोई जगह नहीं होती। चाइना में आप पब्लिकली अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। आप पूजा करते हो या जो भी करते हो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, वो आप करो अपने घर में छुपकर, बाहर कर लिया, किसी भी टाइप का रिलीजियस सिंबल पहन लिया, लॉकेट पहन लिया, ब्रेसलेट पहन लिया अपने भगवान के या अपने जिस भी गॉड को आप मानते हो उनके नाम का, या टैटू बनवा लिया उनके नाम का, सीधा जेल। जानते हो इस बात को? ये कमियां नियो मार्क्सियन फ्रेमवर्क में पूरी की गई, इन कमियों को खत्म किया गया। इसीलिए कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का जो प्रिंसिपल है इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ओके,